हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार अभिनंदन और आज के बाइबल के वचन के वाचन के लिए आप सबों को हम प्रेम से स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आसमान से पृथ्वी में हमारे लिए यीशु मसीह भेजा गया है और यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन था, वही देवदारी बनकर हमारे बीच में आया प्रभु, और वैसे जीवित वचन के द्वारा आज हमसे बात कर, हमें आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। दूसरा शमूएल 8वां अध्याय पढ़ेंगे। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को जीत कर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने फिलिस्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। फिर उसने मोआबियों को भी जीता और इनको भूमि पर लिटाकर डोरी से मापा, तब दो डोरी से लोगों को मापकर घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर बेट ले आने लगे। फिर जब सोबा का राजा रहोब का पुत्र हदेसर महानद के पास अपना राज्य फिर ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको जीत लिया। फिर दाऊद ने उसके 1,700 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए और सब रथ वाले घोड़ों के सुम की नस कटवाई, परंतु 100 रथ वाले घोड़े बचा रखे। और जब दसवीं के अरामी सोबा के राजा हदेसेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने आरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दशमिक में आराम के सिपाहियों की चौकियां बैठाई। इस प्रकार आरामी दाऊद के अधीन होकर बेट ले आने लगे और जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। और अदसेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो डालें थी उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया और बेतह और बरातई नाम हदेसेर के नगरों से दाऊद राजा बहुत सा पीतल ले आया। और जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हदेसेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब तोई ने योराम नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे इसलिए बधाई देने को भेजा कि उसने हदेसेर से लड़कर उसको जीत लिया था, क्योंकि हदेसेर तोई से लड़ा करता था। और योराम चांदी और सोने और पीतल के पात्र लिए हुए आया, इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा और वैसा ही अपने जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, अर्थात अरामियों, मोआबियों, अम्मानियों, फिलिस्तियों और अमालेकियों के सोने चांदी को, और रहोब के पुत्र सोबा के राजा हदेसेर की लूट को भी रखा। और जब दाऊद लोम वाली तराई में 18,000 आरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए और दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद तो समस्त इज़राइल पर राज्य करता था और दाऊद अपने समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। और प्रधान सेनापति सरिया का पुत्र योआब था, इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र यहोशबात था, प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अहीमेलेक थे, मंत्री सराया था, करेतियों और पकेतियों का प्रधान यहोदा का पुत्र बनाया था और दाऊद के पुत्र भी मंत्री थे। इब्रानियों 11 अध्याय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास इसे हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है,
यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास की से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वासी से येनोक उठा लिया गया किंतु मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनित वंश उत्पन्न हुआ। ये सब विश्वासी के दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास से इब्राहिम ने परके जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे वो में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास से यूसुफ ने जब मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास इसे राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया,
क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास से उसने फसल और लोहू छिटकने की विधि मानी कि पैलौटों का नाश करने वाला इसराइलियों पर हाथ न डाले। विश्वास से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास से एरिगो की शहर पना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास से रागा वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने वेदियों को कुशल से रखा था। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और शमशून का और इफ्ता का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। वो इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किया है, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुद्धार के बागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्रवा किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए बेड़ों और बकरियों के खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था, और विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। आगे निर्गमन की किताब 16:1-16 तक पढ़ने वाले हैं। हम हर महीना हर एक बात पढ़कर आ रहे हैं। पिछले महीना सारे परमेश्वर के युद्ध के बारे में पढ़े, उसके पहले मैंने प्रार्थना के बारे में, इस महीना परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार अद्भुत कामों के बारे में देखने वाले हैं। आज इसराइलों को जंगल में कैसे परमेश्वर ने आसमान से रोटी बेचकर तृप्त किया, उस अद्भुत कामों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो निर्गमन 16:1। फिर एलीम से कुछ करके इसराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलीम और सीनाई पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी, और इसराइली उनसे कहने लगे कि जब हमें मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन और दिनों से धुना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इसराइलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और बोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा,
या तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और बोर को रोटी मन माने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है, तुम्हारे बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। फिर मूसा ने अरुण से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आवे, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसे ऐसा हुआ कि जब अरुण इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूलि के समय तुम मांस खाओगे और बोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और ऐसा हुआ कि सांझ को बठेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए और बोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके चौटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इसराइली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो यह है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं भर के लिए बटोरा करे। देखिए, परमेश्वर आसमान से रोटी बेचता है इस्राएलियों को तृप्त करने के लिए, क्या वही परमेश्वर स्वर्ग से आपकी कमियां दूर नहीं करेगा, आपकी आवश्यकता पूरा नहीं करेगा, आपको जो चाहिए नहीं देगा क्या? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, जब इसराइल लोग तेरे विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे, कुरकुराने लगे कि हमें भोजन नहीं है, तो तुरंत स्वर्ग के दरवाजे को खोलकर मन्ना को रोटी के रूप में उनको वर्षा दिया और 40 साल तक हर दिन उनको भोजन आता था, वो कभी भूखे नहीं बैठे प्रभु। वैसे आज भी तेरे वचन सुनने वाले तेरे वचन को मानते हैं, तेरे रास्ते पर चलते हैं, पवित्र रहते हैं, उनके जीवन के हर एक कमी घटी यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए मांगते हैं प्रभु। वे भी हर दिन चिन्ह चमत्कार को अपने जीवन में देखने दे, अनुभव करने दे, आशीष करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन।